एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लो अगल बगल में, एक्सप्रेस की सब लोग वेबसाइट ओपन भी कर लें, बाकी सब लोग एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन करके स्टॉलिंग पे क्लिक कर लें। रुको 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 रुको, बस पूरा कॉपी नहीं करना। सब लोग एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लें। कर लिया इतना काम, अब बताएं सबकी वेबसाइट ओपन हो गई। अब सर। बच्चे कहाँ गायब हो गए, भूलवा लगे क्या, क्लास भी है। बच्चे आज मुस्कान गुप्ता नहीं है ना, और कोई रिकॉर्डिंग का मैसेज भी नहीं आज मैच में। तो आगे सारे लोग, कोई रह गया अभी, इसलिए मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जो लोग नहीं आए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि क्लास ही छुट्टी चाहिए, बच्चे नहीं समझते तो क्या कह सकते हो। चलो तो अब आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के नाम का। फिर हमने क्या किया, उस फोल्डर के अंदर चार फोल्डर बनाए, कंट्रोलर, डिव, डीवी, मॉडल, पब्लिक, राउट्स, व्यू, और एक कॉमन फाइल एप डॉट जे एस, एंट्री पॉइंट फाइल होगी, है ना। ये हमने वीएस कोड पे ओपन कर लिया, ठीक है, इतना काम ने कर लिया था। तो इतने काम में किसी को दिक्कत होगी नहीं, इतने काम की आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी अच्छे सब लोगों ने, यस सर। हाँ। और प्रैक्टिस वाले फोल्डर बना लिया आप लोगों ने यस सर, सेटअप। बना लिया। यस सर, बना लिया, कर लिया। कर लिया, 2 मिनट उधर आए जाने दो, नौ सबको छूट जाएगा। चलो तो अब हमने वेट भी कर लिया, तो अब हमें क्या करना होगा, वेबसाइट पे आओ। अब उस समय सबसे पहले क्या बोला था, इंस्टॉल करने के लिए पैकेज, है ना, कि हमारे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पैकेज डॉट जेसन को अपने में सेटअप करना पड़ेगा। जब भी आप एक फोल्डर सेटअप करोगे, जब भी आप लोग एक फोल्डर सेटअप करोगे प्रोजेक्ट का, जैसे मान के चलो स्कूल नाम से बनाया आपने प्रोजेक्ट, तो ये पूरा फोल्डर सेटअप करोगे, फिर उसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन को इंस्टॉल करोगे, है ना, क्रिएट करोगे फाइल। तो मैं सिंपल लिखना क्या होता है, लिखो आके लिखो npm init, पहले सब देखना कैसे लिखना होता है। आओ लिखो npm init, npm init, सब देखें यहाँ पे, अभी कोई नोट नहीं करना, डॉलर नहीं आएगा, सिंपल स्पेस मत दो, स्पेस मत दो, स्टार्टिंग में स्पेस आ गया, देखो npm से पहले ना। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन को सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने यहाँ पे लिखा npm init और एंटर दो। अरे बस सब देखना, फिर आप लोग करना। जैसे मैंने एंटर दिया तो अपने आप क्या आया, पैकेज नेम, पैकेज नेम में क्या आ गया, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। हमें कुछ भी नहीं करना है, एंटर दे दो, हमें वैसे कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ एंटर एंटर देना है। वर्जन कुछ नहीं करना, एंटर दे दो। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं करना, एंटर दे। अब देखो यहाँ रखो, अब यहाँ इसने कहा एंट्री पॉइंट, तो इसलिए हमने क्या किया था, पहले फाइल बना दी थी एप डॉट जी एस नाम से, तो इसलिए हमारी मेन फाइल कौन सी होगी यहाँ पे,
app.js के नाम से। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इंडेक्स, ए बी सी डी, कोई भी नाम दे देना आप लोग, ठीक है। तो हमें नाम दिया app.js, एंटर दो, कुछ नहीं करना, एंटर दे दो, कुछ करना नहीं हमें तो, एंट्री एंटर देना है, कुछ नहीं, एंटर दे दो, एंटर दे दो, एंटर एंटर, यस कर दो, यस लिख दो, बस बस बन गई फाइल। देखो हमने कुछ किया, हमने सिंपल क्या लिखा, npm init और एंटर एंटर मारना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग भी लिखना जल्दी से npm, टर्मिनल ओपन करें सब लोग, टर्मिनल ओपन कर लो और npm init दिखा देना इनको, npm init टर्मिनल में, और npm init लिखो और एंटर 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 देते जाओ, लास्ट में आपसे यस करने का बोलेगा तो आप यस कर दो, और जैसे आप यस करोगे तो आपकी कमांड वापस आ जाएगी और आपके में फाइल बन जाएगी, करेंगे काम। हो गया इतना, npm init हो गया सबका, जल्दी बोलो। यस सर, हो गया सर, मेरा नहीं हो पा रहा। हो गया सर, तो देखो ना उस पे npm init हुआ क्यों नहीं, टर्मिनल ओपन करो सर। मैंने किया है ये, सॉरी क्या क्या लिख के आ रहा, सॉरी नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, स्पेलिंग से लिखी है npm init, ये लिखा है सर, n, ओके सर, बाकी लोगों बन गया npm init। यस सर, ओपन कर दिया। तो देखो एक पैकेज, एक package.json की फाइल बन गई होगी आपके में। यस सर, एक package.json की फाइल बन चुकी होगी, है ना। अब आगे चल के हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, सब उसी के अंदर दिखेंगे मुझे अभी। हाँ दिखाओ तुमने क्या लिखा है, आ रही है सर, फुल स्क्रीन करो। क्या कह रहा है, npm install, तुम्हारे npm install, तो हम node.js install नहीं है, node.js install पहले से होगा ना, है सर, vs code बंद करो, और कहाँ है वो फोल्डर, कहाँ तुम्हारा कौन फोल्डर, फोल्डर स्ट्रक्चर कहाँ है, एक बनवाया मैंने अभी, एक्सप्रेस वाला फोल्डर कहाँ है, कहाँ चलेगी भाई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तुम्हारा, रौनक अग्रवाल, बाकी लोगों को आवाज आ रही मेरी, यस सर, यस सर आ रही है, यस सर आ रही है, ये कहाँ चला गया मुझे, रौनक अग्रवाल पता नहीं कहाँ है, क्या किया सर, हाँ बाकी सबका बन गया सर, मेरा देख लो सर, ओके देखो, यस सर बन गया, तुम तो इतने बार बना चुके फिर भी ना पाए npm init वाले की एरर को, सर कुछ एरर आ रहा है उसमें पता नहीं, अरे तो भाई एरर आ रहा है पढ़ा कर, पहली बार कर रहे हो क्या सर, मैंने नहीं लास्ट टाइम किया था सर, उस वाले फोल्डर में चल रहा है, बट वो आगे बढ़ चुका है, तो जब एरर आ रही तो एरर को गूगल पे डाल सकते हो ना, डॉलर ये पहले कर चुका है, इसको ये नहीं पता कि डॉलर नहीं लगाना होता, सिंपल npm init लिखना है, बोल रहा हूं npm init, npm init डॉलर का भी होता है, क्या डॉलर का भी तो सर पैकेज होता ना सर, नेट चला गया था, फिर से करो, हाँ फिर से करो,
दिखाओ फोल्डर कहाँ है फोल्डर, ओपन करो यहाँ पे, हाँ ये फोल्डर को ओपन करो, ये फोल्डर को ओपन करो, ये वाले फोल्डर को, इसी फोल्डर को ओपन करो, राइट क्लिक करके, कहाँ जा रहे हो इतने अंदर क्यों आ गए भाई, नीचे आओ, राइट क्लिक करो, वीएस कोड ओपन करो, गिट बैस ये देखो, गिट बैस ये देखो, क्लिक करो इस पे गिट बैस पे, यहाँ लिखो कोड स्पेस दे के डॉट, इस डॉट एंटर दे दो तो वीएस कोड खुल जाएगा अपने आप। और साइड वाला फोल्डर खोलो, साइड बार वाला फाइल खोलो, फाइल की फोल्डर वाली साइड बार में, अरे नीचे नीचे, अरे साइड बार में फाइल दिख रही है, उस पर क्लिक करो बस। अब नीचे आओ, नीचे देखो npm, नीचे टर्मिनल देखो npm int एंटर दो, एंटर दो, एंटर दो, क्या कह रहा है, नाम सही नहीं है, नाम नाम कैसे लिखा है, ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखो, नाम कुछ और डाल दो, कुछ और नाम डाल दो, कुछ और नाम लिख दो, एक्सप्रेस लिख दो, एक्सप्रेस ओके सर, मल लिख दो, मत टाइप कर दो, यहीं टाइप कर दो नीचे, अरे वहीं टाइप कर दो कमांड पे ही, कमांड पे सर, यहाँ टाइप कर दो, कर्सर दिख रहा है तो नीचे टर्मिनल में, एंटर दे दो, हाँ एंटर दे दो, फिर एंटर दे दो, पढ़ा करो क्या कह रहा है एरर में, एंटर दे दो, एंटर फिर से एंटर, हाँ एंटर एंटर देते जाओ ना, अभी स्क्रीन पे क्या देखा था, और एंटर दो, और एंटर दो, और एंटर दो, और एंटर दो, यस कर दो, यस, अब एंटर बन गई फाइल, बस सिंपल सा, छोटी मोटी एरर पढ़ना सीखें आप लोग, है ना, छोटी मोटी एरर पढ़ा करो, क्यों क्या हमसे कहना चाह रहा है वो, स्टॉप करो स्क्रीन को, चलो शिखर दोबारा स्क्रीन से कर देना, बाकी सबका चल गया, छोटी मोटी एरर्स आप लोग पढ़ा करें तो अच्छा रहेगा। चलो करो स्क्रीन सर, राजीव माइक बंद कर दो सर, विजिबल है, दोबारा स्क्रीन दोबारा करना पड़ेगा दोबारा से, तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारे बन गई, सब लोग देख ले, उस पर क्लिक कर दो, टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर दो, हाँ सब देख लो, नेम वर्जन डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, बन के आ गई, अब हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सब किसके अंदर हमें दिखेंगे, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, पैकेज के नाम, आप जो भी पैकेज अपने इंस्टॉल करोगे ना उसका जो नाम होगा ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा डिपेंडेंसी के अंदर। चलो अब चलते हैं फिर से हम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, आ जाओ वेबसाइट पे, चलो इसलिए मैं वेबसाइट सिखा रहा हूँ इससे आप लोग कर पाए। अब क्या कहा इसके बाद इसने, मुझसे नीचे अब मुझसे क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि आपको npm install express करना होगा, क्या कहा इसने मुझसे, आपको अपने फोल्डर के अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है आ जाओ चलो। तो देखो टर्मिनल ओपन करें, सब पहले देख लिया करो, टर्मिनल ओपन करो और लिखना होता है npm i मतलब इंस्टॉलेशन, npm i स्पेस देके एक्सप्रेस, पहले यहां सब देख लें, जब मैं एक्सप्रेस इंस्टॉल करूंगा तो मेरे में एक फोल्डर क्रिएट होगा, किस नाम से, ये फोल्डर कहां से आ गया, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट, अच्छा गिटहब वाला वो, चलो ठीक है ठीक है, npm i एक्सप्रेस, अब जैसे मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा ना तो हमारे अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा नोड मॉड्यूल नाम से, किस नाम से, नोड मॉड्यूल, सुन लो पहले, उस फोल्डर के अंदर हमारे सारे पैकेज होंगे, ठीक है देखो क्या क्या, देखो लिखा ना 57 पैकेज दिख रहा है ना, 58 दिख रहा है सब लोगों को, अब देखो ऊपर देखो यहाँ पे साइड में एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन गया है, ऊपर देखो नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर, ये इसके अंदर हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल रखे हैं, दिख रहा है फोल्डर, ये फोल्डर डिलीट नहीं होना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट जब हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर बन के आता है नोड मॉड्यूल, इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं सारे पैकेज बने होते हैं। अब देखो जब जब आपने नोड मॉड्यूल बन के आया तो एक फाइल और बन के आती है पैकेज
log.json के नाम से, इस पे क्लिक करो। जो नोड मॉड्यूल के अंदर पैकेज है ना, उन सब की इसमें लिंक दी होती है। देखो नीचे आओ, दिख रहा है सब लोगों को, ये सब दिख रहा है नोड मॉड्यूल, कौन कौन से पैकेज नोड मॉड्यूल के अंदर रखे गए हैं, उन सबके यहाँ पे पाथ दिए होते हैं, वर्जन दिए होते हैं, उन सबके नाम यहाँ दिए होते हैं। और नीचे आते जाओ, दिख रहा है आप लोगों को, तो इस फाइल से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना नोड मॉड्यूल फोल्डर से हमें कोई छेड़खानी करनी है। नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर क्या है, हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हैं, ठीक है, देख लो खूब सारे हैं, देख लो, ठीक है। इसी के अंदर देखो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा, खोलना नोड मॉड्यूल को, इसी के अंदर हमारा एक्सप्रेस भी बना होगा। नीचे देखो कहीं, ये देखो नीचे दिख रहा है एक्सप्रेस, ये देखो एक्सप्रेस है ना, सारे हमारे पैकेज इसी के अंदर इंस्टॉल है। और आगे चल के हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, वो सब इसी के अंदर जाके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, बंद कर दो। अब हमने जो बनाया था पैकेज डॉट जेसन, अब उसमें देखो नाम लिख के आ गया होगा अपने पैकेज डॉट जेसन में, अरे बाद में कर लेना, वो बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या चल रहा है। पैकेज डॉट जेसन देखो लिख के आ गया, देखो डिपेंडेंसी दिख रहा है अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर, डिपेंडेंसी में नाम लिख के आ गया ना एक्सप्रेस, उसका वर्जन लिख के आ गया। और ये पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी डिलीट नहीं होनी चाहिए, अगर ये डिलीट हो गई ना तो फिर आपके पैकेज काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। जब हम लिखते हैं npm i express तो वो क्या करता है, हमारे फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता है नोड मॉड्यूल नाम का, उसके अंदर हमारे सारे पैकेज रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चला लें npm i स्पेस देके एक्सप्रेस, npm i लिख देना ना, जिन सही लिख भी नहीं पाएंगे लोग, npm i स्पेस देके एक्सप्रेस। हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सारे पैकेज हम एक्सप्रेस से ही npm से ही करेंगे, करें इतना काम जल्दी सब लोग। हेलो सर। हाँ जी सर, आपने क्या क्या करा दिया, मैंने लेट ज्वाइन किया है। पैकेज इंस्टॉल करा दिया, एक्सप्रेस इंस्टॉल करा दिया है, जरा आप रिपीट कर दोगे एक बार। npm init लिख लो टर्मिनल ओपन करके, देखो स्क्रीन पर, माइक बंद कर लो, टर्मिनल टर्मिनल ओपन करो अपना और npm init कर लो पहले जी। npm i डाल देना, एक्सप्रेस में कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। टर्मिनल ओपन करो, npm init लिखो और एंटर एंटर देती जाओ बस, और लास्ट में पूछेगा यस करने का, यस कर देना। बाकी लोगों का हो गया यहाँ तक, ओके सर। बाकी लोगों का एक्सप्रेस एक्सप्रेस आ गया, फोल्डर बन के आ गए साइड में, फाइल बन के आ गई साइड में। हाँ ना, तो बोलो यस सर। तो चलो अब एक कहानी और सुनो, आप लोग भी कहते हो उससे कहानी बड़ी सुना देते हैं। अब एक कहानी सुनो, तो हम लोग जो कल कहानी पढ़ रहे थे, और मुस्कान तुम तब तक इंस्टॉल जल्दी कर लो फटाफट, npm init लिख के एंटर दो और एंटर देती जाओ, और लास्ट में यस का पूछेगा, यस कर देना, ठीक है सर। तो आपके सिस्टम में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी पैकेज डॉट जेसन नाम से, फोल्डर के अंदर साइड बार में, इतना हो तो मुझे बताना। हाँ, तो कल आपने एक कहानी सुनी थी, कहानी ये थी कि आप एक होटल में गए, वेटर आया, वेटर को आपने ऑर्डर दिया, फिर वेटर ऑर्डर लेके सेफ के पास जाता है, सेफ खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद सेफ वेटर को देता है, वेटर आपको देता है ना, ये एमबीसी हमने समझा था, सबको याद है एमबीसी कहानी, एमबीसी है ना, ये एमबीसी वाली कहानी आप अपने दिमाग में सब लोग याद रखना अच्छे से, है ना। अब इसमें एक चीज रह गई है जो आज आपको बतानी है, बात ये आएगी कि आप रेस्टोरेंट जाएंगे कैसे, बाइक से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, टेम्पो से जाएंगे, कार से जाएंगे, किसी से जाओगे ना,
है ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं से किसी ना किसी से आप जाओगे, बाइक से जाओगे रेस्टोरेंट, फिर रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे, तभी तो वेटर को बुलाओगे। अगर आप रेस्टोरेंट ही नहीं गए तो वेटर को कैसे बुलाओगे, या वेटर आपके पास कैसे आएगा? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब आप रेस्टोरेंट जाओगे, वेटर को बुलाओगे, तब वेटर को आप ऑर्डर दोगे, तब वेटर आपका ऑर्डर लेके मॉडल के पास जाएगा, मतलब सेफ के पास जाएगा, सेफ आपका खाना बना के वेटर को देगा, वेटर आपको देगा, और आप खाना खा के घर लौट जाओगे, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आप वेटर के पास, मतलब आप रेस्टोरेंट जाओगे तब वेटर बुलाओगे, तो उसके लिए आपको बैग कार क्वेश्चन कुछ। हाँ जी सर, ये यहाँ पे यस का ऑप्शन है, इज दिस ओके यस, इसके बाद से मैंने एंटर किया तो अब ये तो फिर तो आपने यस कर दिया था, तो package.json की फाइल बनी होगी, package.json की फाइल बनी होगी, साइड बार में देखो बनी है, इसकी जल्दी शेयर, इसकी जल्दी शेयर करो, माइक बंद कर लो। हाँ तो इतना क्लियर हुआ। तो अब बात जो आती है कि आप बाइक से जाओगे तब बुलाओगे वेटर को, तो ऐसी कहानी होती है यहाँ पर। यहाँ पर एक पार्ट आता है राउटिंग, क्या आएगा, एक पार्ट आएगा राउटिंग, है ना। जब आप राउटिंग करोगे तब जाके आप वेटर के पास जा पाओगे, तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप ब्राउजर पे कुछ भी लिखते हो, हाँ आपने क्या लिखा यहाँ पे, बंतु की फाइल पैकेज और जेसन की, अब लिखो यहाँ पे npm, npm नीचे नीचे टर्मिनल में लिखो, नीचे लिखो टर्मिनल में npm i express, अरे वहीं लास्ट में लिख दो, कहाँ लिख रहे हो, npm i express, क्या कर रही है, कहानी समझ नहीं आ रही है इसकी, तो एंटर दो, एंटर बस, अभी हो जाएगा इंस्टॉल पैकेज। हाँ तो अब यहाँ पे एक कहानी ये होती है कि जब आप वेबसाइट में लिखते हो ना facebook.com, है ना, जैसे अभी आप गूगल मीट के लिए लिंक 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 टाइप करते हो, YouTube आप ओपन करते हो youtube.com लिखते हो ना आप सब लोग, है ना। देखो हो गया तुम्हारा इंस्टॉल, ठीक है, एक्सप्रेस yes, एक नोट मॉड्यूल का फोल्डर बन गया है, इंस्टॉल हो गया, बंद कर दो स्क्रीन। तो आपने देखा youtube.com, तो डायरेक्ट आपका YouTube नहीं खुलता होगा, तो YouTube में सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले जाता होगा राउटिंग के पास, राउट के पास। जैसे आपने लिखा है youtube.com, सबसे पहले आएगा राउट के पास, राउट से जाएगा वेटर के पास या कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से जाएगा मॉडल के पास, समझाया। मतलब वेटर के पास हम गए थे ना बाइक से रेस्टोरेंट, तभी तो वेटर को हमने बुलाया, ऐसी वेबसाइट में होगा। जब आप वेबसाइट में लिखोगे facebook.com, youtube.com, जो भी नाम लिखोगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जब इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले वो राउट पे जाएगा, और पहले वो राउट चेक करेगा कि जो राउट आपने दिया है ना यूआरएल में youtube.com, वो राउट में लिखा है कि लिखा है, अगर वो दोनों सेम होंगे तो उसके बाद देखिएगा मुझे कौन से कंट्रोलर पे जाना है और फिर कौन से मॉडल पे जाना है ना। तो सबसे पहले कंट्रोलर से पहले क्या आएगा, राउट आएगा, बिना राउट के आप कंट्रोलर पे नहीं पहुंच पाओगे, बिना रेस्टोरेंट के, बिना बाइक के पहुंच पाओगे क्या आप, जाना तो पड़ेगा ना, पहले चल चल के जाओ, चाहे बाइक से जाओ चाहे कार से जाओ, तभी तो आप रेस्टोरेंट जा पाओगे, तभी तो आप बेटर को बुला पाओगे। यस बात समझाई। तो ऐसे जब आप कोई यूआरएल हिट करोगे, जब होम पे क्लिक करोगे, अबाउट पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले राउट पे आओगे, फिर राउट मैच होंगे पहले, जो आपने लिखा है यूआरएल वो राउट में है कि नहीं है, वो अगर होंगे तब जाके आप कंट्रोलर पे जाओगे और फिर मेथड पे जाओगे, ठीक है। तो इन सबसे पहले क्या आ जाएगा, राउट आएगा, एक जो बनाया ना हमने फोल्डर राउट्स नाम का, बनाया ना फोल्डर राउट्स नाम का, वो काम करेगा मैन। यस सर, है ना। तो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलो शिखर करो स्क्रीन शेयर। तो हमने एक्सप्रेस कर लिया, फोल्डर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं भैया एक्सप्रेस हमसे अब क्या कह रहा है, आ जाओ एक्सप्रेस की सुनने चल के, चलो आप सुनते हैं एक्सप्रेस की अब क्या कह रहे हो। मैं आपको इसलिए सब एक्सप्रेस से करा के चल रहा हूँ, सब बाद में प्रैक्टिस कर पाए। वेबसाइट पे आ जाओ एक्सप्रेस की,
तो इतना उसने हमसे कह दिया। अब नीचे क्या कह रहा है वो, नीचे आओ नीचे आओ। अब हमसे कह रहा है नेक्स्ट हेलो वर्ड प्रिंट कराने कह रहा है, हेलो वर्ड हमसे प्रिंट कराने कह रहा है। तो आप लोग भी क्लिक कर लें हेलो वर्ड पे और यहाँ पे आ जाएं। मैं ऊपर ऊपर भी दिखा दो, ऊपर दिखा दो, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना। अगर वहां ऊपर देखो नीचे दिखा ना हेलो वर्ड, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लें। और हमें क्या करना होगा, सर्वर क्रिएट करना होगा, एक्सपेस को रिक्वायर करना होगा और सर्वर चालू करना होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा समझो। तो अब हमें चलना होगा कहां पर, अपने xspace.js पर आ जाओ। चलो अब क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है। तो अब आ जाए अपने app.js पर, जो हमारी मेन फाइल है जिसपे हम क्या करेंगे, अपना सर्वर क्रिएट करेंगे। तो अब सारा काम हमारा कौन करेगा, एक्सप्रेस। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करना होगा, जो बता रहा है ना वेबसाइट में। तो देखो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर, वहां सब दिया है सिंगल कोट में एक्सप्रेस। अरे ब्रैकेट का साइन लगाओ, सिंगल कोट में एक्सप्रेस। अब पहले देख लो इस एक्सप्रेस के पास क्या क्या चीजें हैं, कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लो, चेक तो कर ही सकते हैं ना हम, कि इसके पास है क्या क्या ऐसा जो इतना फेमस हो रहा है ये फ्रेमवर्क। ब्रैकेट का साइन लगाओ और लिखो उसके अंदर एक्सप्रेस, और नोट और नोटबोन चला के देखो, सिंपल नोटबोन एक्सप्रेस। तो नोटबोन चलाओगे वो अपने ऐप वाली फाइल ही चलाया, अगर परेशान ना हो, जैसे आप लिखोगे ना नोटबोन नोटबोन बस वो वाली फाइल ही चलाएगा ऐप वाली, परेशान ना हो, मत लिखो, लिखने जरूरत नहीं है। हाँ देखो अब सब देखो इसके पास क्या क्या चीजें हैं, देखो ऊपर आओ, ऊपर से आओ, सब देखो एक्सप्रेस जो हमने इंस्टॉल किया है। देखो लिखा है फंक्शन क्रिएट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर देखो डिफॉल्ट यूज, देखो राउट दिख रहा है, दिख रहा है देखो राउट। सब लोग आगे चल के हम इस राउट को यूज करेंगे। ये राउट किसका पार्ट है, एक्सप्रेस का। इंजन देखो, इंजन में किसका पार्ट है, एक्सप्रेस का। परम दिख रहा है, परम हम आगे चल के यूज करेंगे आईडी के लिए। पाथ अनेबल डिसेबल, और नीचे आओ चेकआउट कनेक्ट कॉपी डिलीट, धीमे धीमे आते जाओ लिंक। ठीक है, और ये सब फंक्शन है, देखो सारे फंक्शन जे, और क्या लिखे हैं एनोमियस, दिख रहे हैं सबको एनोमियस फंक्शन एक्सप्रेस देख लो। ठीक है नीचे आओ, मूव और नीचे आ जाओ, देखो पोस्ट पैच दिख रहा है आप लोगों को, पोस्ट आगे चल के इंसर्ट करेंगे तब, पोस्ट पुट रिपोर्ट सर्च और नीचे आओ सब्सक्राइब और नीचे आओ, कितना कुछ है इसके पास देखो, और नीचे आओ गेट और नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आते जाओ, देखो जेसन कितना कुछ भाई, देखो और नीचे आते जाओ और नीचे आते जाओ ऐसे और नीचे आते जाओ, देखो कितना कुछ इसके पास है, देख लिया आप लोगों ने, देख गया सबको, सब किसके पास है एक्सप्रेस के पास। मतलब ये सारी चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, सारा कुछ हमें क्या मिल रहा है, पूरा बना बनाया, देख ली सबने। चलो yes, sir. तो अब आओ yes, चलो बंद कर लो इसको, टर्मिनल हटा दो, टर्मिनल हटा दो अभी, टर्मिनल हटा दो। तो चलो कंसोल हटा दो, बता आपको दिखाया था मैंने कितना कुछ है। हाँ तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेस को बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, एक मेथड, देखो उसने बनाया हुआ है, देखो जाकर वेबसाइट पे उनकी, देखो उन्होंने क्या किया वेबसाइट, देखो दिख रहा है ना, देखो कॉन्स्टेंट एप इक्वल एक्सप्रेस, दिख रहा है उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस को बनाया एक मेथड, उसके अंदर जो भी कुछ है एक ऐप में जाके स्टोर कर दिया। ठीक है, आओ अपने कोड में, जिससे हम उसको यूज कर सकें उसके सारे फंक्शनों को। तो यहां पे लिखो कॉन्स्टेंट ऐप, ऐप क्या एक वेरिएबल है, इक्वल एक्सप्रेस और फंक्शन का साइन लगा दो। तो अब ये क्या बन गया हमारा, एक मेथड बन गया। तो जो भी एक्सप्रेस के अंदर आ रहा होगा, ये एक्सप्रेस मेथड के अंदर फंक्शन के अंदर हमने किस में स्टोर कर लिया, इस ऐप के अंदर रख लिया है। ठीक है, और ये एक्सप्रेस कहां से आ रहा है, उठ के लाइन नंबर एक से, ये एक्सप्रेस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्सप्रेस है कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस है, कॉन्स्टेंट जो लिखा है एक्सप्रेस में, वो जो लिखा है कॉन्स्टेंट में एक्सप्रेस वेरिएबल, इसी को मेथड नाम yes, और ऐप के अंदर स्टोर कर लिया। अब जो भी कुछ एक्सप्रेस के पास है वो सब हमने किसके अंदर रख लिया,
ऐप के अंदर एक्सप्रेस मेथड है, फंक्शन सारे जो भी कुछ है मैंने इस ऐप के अंदर रख लिया। अब इससे क्या होगा, मैं किसी भी मेथड को किसी फंक्शन को यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट, जानते हो मेथड ना के अब डायरेक्ट मैं किसी भी फंक्शन जो थे ना इसके सारे एनवी फंक्शन इसको मैं आप यूज कर सकता हूँ। सब किसके अंदर आ गए हमारे, अब ऐप के अंदर आ गए हैं जो मैंने आपको इतने सारे फंक्शन दिखाए थे ना खूब सारे इसके एनोमियस, तो अब मैं यूज कर पाऊंगा उसको ऐप में। अब आओ नीचे, अब देखो उन्होंने क्या कहा इसके बाद, अब उन्होंने क्या कहा जाके देखो वेबसाइट पे। अब कहा है पोर्ट, पोर्ट बना लो कॉन्स्टेंट पोर्ट इक्वल 8000 लिख दो। पोर्ट याद है सबको, सर्वर क्रिएट किया था हमने तो एक पोर्ट बनाया था ना, पोर्ट बनाया था पोर्ट। आप पोर्ट यहां पर कुछ भी दे सकते हो, 3000 4000 3200 3500 जो आपका मन करे, तो 3000 लिख दो, 3000 ये 4 लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो आपका मन करे वो पोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने एक्सप्रेस को सेट एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया ठीक है, अब हमें क्या करना होगा सर्वर क्रिएट करना है। क्या करना होगा सर्वर क्रिएट, तो आप लोग याद है ना नोट जेएस में सर्वर क्रिएट के लिए कितने सारे कोड करने पड़ रहे थे, याद है पहले हमने क्या किया था, रिक्वायर किया था हमने एचटीटीपी को, फिर बहुत सारे कुछ करने पड़ रहे थे और यहाँ पे एक लाइन में सर्वर क्रिएट होगा हमारा ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आओ थोड़ा स्पेस देके, और नीचे आ जाओ बस, और कमेंट लगाओ देखो सर्वर क्रिएट, और यहाँ पे देखो एक लाइन में सर्वर क्रिएट होगा एक्सप्रेस की मदद से, सर्वर क्रिएट, तो वहां से कोड कॉपी कर लो सर्वर क्रिएट का, वो दिया हुआ है वहां पे देखो पहले से ही ये दिया, नीचे 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 यही पूरा यही कॉपी कर लो उठा के नीचे, बस एक लाइन का सर्वर है यहाँ पेस्ट कर लो नीचे। अब देखो सर्वर देखो सब लोग यहाँ पे, सब लोग देखें यहाँ पे ऐप ऐप डॉट लिसन, लिसन समझते हो क्या करता है, याद होगा याद है कि नहीं याद है सब लोग, लिसन याद है सर्वर को चलाता है। यस सर। भूल गए सब लोग? यस सर। ये बाकी लोग पढ़ के आए हैं जो नोट जेएस में भी? यस सर नहीं तो मैं तो याद है, ये बाकी बैच के इस बैच के उन्हें याद नहीं है, नोट जेएस में पढ़ा था आपने सर्वर क्रिएट करते टाइम पे, ये मैंने पहले भी कहा है कि नोट जेएस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए आप लोगों को, पर आप बोलोगे सर मेरे ऊपर से चला गया सब कुछ, पता होना चाहिए आप लोगों को, पढ़ा था आपने पहले कई बोला कि मैं नोट जेस पढ़ के चलो, डिटेल में इतना क्यों पढ़ाया आप लोगों को, लिसन पे माउस लेके जाओ, माउस लेके जाओ लिसन पे माउस लेके जाओ, देखो क्या कह रहा है पढ़ लो खुद से ही, इसका काम क्या है सर्वर को चलाना। आओ नीचे हटाओ उससे। अब देखो पहले हमें क्या करना पड़ता था याद है, पहले हमें लिखना पड़ता था सर्वर क्रिएट, फिर वो ताम झाम आर ई क्यू आर ई एस, याद है सब लोगों को, और फिर हम लास्ट में क्या लिखते थे ना लिसेंट, और फिर पोर्ट, और फिर लिखते थे कंसोल डॉट लॉग में सर्वर स्टार्टेड लिखते थे याद है, जिस लाइन हम सबसे एंड में लिखते थे, इनको खोला ने नोट मोड नोट जैसा वाला फोल्डर खोला ने फाइल पे जाके फाइल खोलने के बाद इनको इतना डिटेल में पढ़ाया तब भी आवाज नहीं निकली इस बैच में एक बच्चों की, सर हाँ सब पता है मुझे, देख लो ये सब कितना कुछ लिखना पड़ता था, रिक्वायर करना पड़ता था एचटीटीपी को, फिर क्रिएट सर्वर करना पड़ता था, फिर आरक्यू आरएस करने पड़ते थे, फिर ये अंदर लिखना पड़ता था, और फिर उसके बाद सर्वर को चलाने के लिए क्या यूज करना होता था रिसेंट यूज करते थे, फिर यहाँ पे पोर्ट डाला और फिर एरो फंक्शन लगाया, ये लाइन लिखी थी। अब याद आया सब लोगों को? यस सर। और नहीं yes, तो पुराने वीडियो देख लेना खोल खोल के आप लोग, मगर यहाँ पे एक्सप्रेस की मदद से कितना काम आसान हो गया, हमने सिंपल क्या लिखा, आओ अपने एक्सप्रेस पे आ जाओ, हमने सिंपल लिखा ऐप डॉट लिसेंट, और ऐप हमारा किससे कनेक्ट है एक्सप्रेस से, हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा ऐप डॉट लिसेंट पोर्ट, और बस कंसोल डॉट लॉग हो गया सर्वर क्रिएट हमारा, बाकी वो कुछ हमें लिखना ही नहीं पड़ा, क्यों लिखना पड़ा क्योंकि एक्सप्रेस के अंदर हम काम कर रहे हैं फ्रेमवर्क के अंदर। अब बाकी जो सारा काम था ना ये एचटीटीपी वाला वो सब किसके अंदर चल रहा होगा इस ऐप के अंदर, जो ऐप किससे लिंक है हमारा एक्सप्रेस से, बात समझ आएगी नहीं आई,
एक लाइन का सर्वर क्रिएट हो गया एक लाइन में। नहीं आई क्या समझ में अभी? आगी होगी भाई। तो चलो अब देखो सर्वर चला के देखते हैं। टर्मिनल पे क्लिक करो, देखो कितने कोड छोटे हो गए। टर्मिनल पे क्लिक करो, लिखो नोड मॉन सिंपल बस, अभी लिखा आ जाएगा। जो लिखा गया एग्जाम्पल ऐप लिस्निंग वन, आपको चेंज कर देना। मैं लिख देना सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट, लिख देना सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज लर्निंग रनिंग लोकल होस्ट कोलन लगा देना, लोकल होस्ट कोलन बस बस ठीक है। होस्ट से लिखो होस्ट बस। देखो चल गया सर्वर, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट 3000, कितना सिंपल, कितना सिंपल हो गया सर्वर क्रिएट हो गया। अब जाके चेक करते हैं ब्राउजर पे क्या एरर आ रही है। आ जा ब्राउजर पे, और बंद क्यों कर दिया टर्मिनल, चालू रखो टर्मिनल तो चालू कर दो, बिना उसको सर्वर चल जाएगा क्या? चल रहा है वो बंद, दोनों फाइल बंद कर दो जी। टर्मिनल बंद मत करना अब है ना, सर्वर बंद नहीं करना, अब सर्वर बंद नहीं करना है, सर्वर चलेगा ठीक है। अब सर्वर बंद कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी अब, और टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर लो। और नोड वन तो हमने पहले आपके में करवा दिया था, आपको सिंपल क्या लिखना है नोड वन, नोड वन सबको पता है ना। चलो अब जाके चेक करो वेबसाइट पे, लिखो लोकल होस्ट और तुमने जो तुम्हारे जो पोर्ट का जो नाम था वो डालो, आपने जो पोर्ट दिया है वो डालना होगा लोकल होस्ट 3000, एंटर दो। हाँ थोड़ा जूम करो, देखो सर्वर चल गया, सब देखो जूम करो जूम, देखो सर्वर चल गया ना सब लोग। यहाँ पे क्या लिख के आ गया कैन नॉट गेट, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे वहां कुछ नहीं आएगा, वहां कुछ नहीं आएगा, अरे सर्वर चल गया ना इसका सिंपल। कैन नॉट गेट स्लैश, स्लैश का समझते हो, कैन नॉट गेट, अब वो गया हुआ कहां पर, एप डॉट जी एस पर। सर्वर चालू हो गया आपका, तभी तो जी वाली एरर आई, सर्वर चालू हो गया yes, sir. वो गया होगा एप डॉट जी एस पे गया होगा, वहां पे जाके उसने क्या ढूंढा होगा स्लैश, कहीं लगाओ मिल जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी फाइल चलती है स्लैश वाली, बाय डिफॉल्ट होम पेज होता है ना, इंडेक्स वाला पेज होता है ना इंडेक्स और एचटीएमएल, तो बाय डिफॉल्ट वो लगाता है स्लैश। जब मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000 तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी स्लैश वाली फाइल चलेगी, स्लैश वाला यूआरएल चलेगा। तो अब बात यही आएगी, सर्वर तो चल गया, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे, ये कहा था कि आप रेस्टोरेंट कैसे जाओगे, बाइक से जाओगे या कार से जाओगे, तभी तो वेटर को बुलाओगे। तो वही बात यहाँ हो गई, यहाँ पे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, जैसे आपने ये लिखा सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, एप डॉट जी एस के पास, और क्या जाके ढूंढेगा कि यार स्लैश कहाँ लिखा हुआ है, राउटिंग, राउटिंग तो हमने अभी की नहीं है कहीं, है ना, तभी तो वो हमें आउटपुट देगा, हमने राउटिंग तो की नहीं, राउटिंग वाला कुछ काम ही नहीं किया हमने, पास समझ आ रही नहीं आ रही, इसीलिए वो क्या कह रहा है कैन नॉट गेट, जो वो ढूंढने गया वहां पर कुछ है ही नहीं उसके पास, तो सीधी एरर क्या आ गई कैन नॉट गेट वाली। अब राउटिंग कैसे करते हैं आओ वो देखते हैं, सिंपल सी है, आओ एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आ जाओ, एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आ जाओ, जो कॉपी कर लो एप डॉट गेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये वहां पेस्ट कर दो बीच में, हाँ बीच में पेस्ट कर दो, ऊपर लिख दो लाने में फाइव में कमेंट में राउटिंग, राउट लिख दो राउट, इससे याद रहेगा, राउटिंग कुछ भी लिख दो आपको याद रहेगा। अब मेरी कुछ बातें आप लोग याद रखना अच्छे से सुन लो कान खोल, अब देखो रिफ्रेश कर लो तो मैं समझाता हूँ, रिफ्रेश कर लो देखो चल जाएगा, अब हेलो वर्ड लिख के आ जाएगा वहां पर जाकर, देखो देखो लिखा आ गया हेलो वर्ड, लिखा आ गया सब लोग। अब बात जो आती है हेलो वर्ड लिखा हुआ कैसे आया, तो जैसे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, मतलब एक बात समझ लो, जब भी आप कुछ भी करोगे, होम पे क्लिक करो, अबाउट पे क्लिक करो, यूआरएल में कोई कुछ टाइप करो, एंटर दो, तो सबसे पहले जाएगा एप डॉट जी एस पर, ठीक है। और जब आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000 तब भी एप डॉट जी एस पर जाएगा, आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट कुछ भी आप लिखोगे, या किसी बटन पर भी क्लिक करोगे मीनू पर भी, तो सबसे पहले वो एप डॉट जी एस पर ही जाएगा, ठीक है। अभी अभी आपने क्या लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000,
तो सबसे पहले काम किया ऐप डॉट जे एस पे, ऐप डॉट जे एस पे आओ, आओ ऐप डॉट जे एस पे, ऐप डॉट जे एस पे आ जाओ। हाँ, अब यहां पे आके ढूंढेगा वो, क्या ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा पता है कि स्लैश कहां पर है। लोकल होस्ट कोलन 3000 का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्लैश, और स्लैश का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट होम पेज वाला, होम पेज कॉल होना। तो उसको यहां मिल गया देखो स्लैश, वो कहां पे आके ढूंढेगा जो लिखा है ना ऐप डॉट गेट, कहां ढूंढेगा आके ऐप डॉट गेट के अंदर जो आपने लगाया सिंगल कोट में स्लैश। गेट का मतलब क्या होता है, डेटा को गेट करना, ठीक है। सब किससे कनेक्ट है हमारे जे एक्सप्रेस से लिखा ना ऐप, और ऐप किससे कनेक्ट है पता ना एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस में थी ना राउटिंग, तो उसको स्लैश मिल गया। वो कहां ढूंढेगा जो लिखा ना सिंगल कोट में स्लैश, इसको ढूंढेगा, मिल गया। फिर रिक्वेस्ट आ गई, आ गई आर ई क्यू, बताया था ना आर ई क्यू और आर ई एस, अब रिक्वेस्ट आ गई। अब वो क्या देगा आपको, आर ई एस में रिस्पॉन्स देगा, तो अंदर आ गया, तो उसने आपको क्या दे दिया आर ई एस डॉट सेंड, और सेंड में उसने आपको क्या दे दिया, हेलो बर्ड दे दिया, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे से कॉपी करना, ये को कॉपी करो, इसी कॉपी के नीचे पेस्ट करो, स्पेस मत दो, कोई जरूरत नहीं थी स्पेस की, हाँ कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें लिखो स्लैश अबाउट, स्लैश अबाउट लिख दो अबाउट, और वहां लिखो हेलो वर्ल्ड की जगह लिखो होम पेज, यहाँ लिखा ना हेलो वर्ल्ड वहां पर लिख दो ऊपर वाले में होम पेज, यहाँ पे लिखो अबाउट पेज, यहाँ लिखो अबाउट पेज अबाउट, ऊपर वाले में लिखो होम पेज, तभी आपको समझ में आ जाएगी कहानी। यहाँ लिखो अबाउट पेज, और नीचे एक अपना एक कॉपी करो, यहाँ लिखो कॉन्टैक्ट, इसको करो कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट, लिखो स्लैश, और स्लैश बाय डिफॉल्ट आएगा साथ में इसके कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से लिखो बस, सेव कर दो। चलो अब देखो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या दिखाएगा ब्राउजर पे, आओ वेबसाइट पे रिफ्रेश कर दो, हेलो हेलो पेज, ठीक है। अब तुमने लिखा स्लैश अबाउट, देखो स्लैश अबाउट यूआरएल में, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा ऐप डॉट जे एस पे, एंटर दो, देखो अबाउट पेज आ गया। अब जे अबाउट पेज कैसे आया पता है, पता है सबसे सबसे पहले कहाँ गया होगा जे ऐप डॉट जे एस पे, ऐप डॉट जे एस पे आओ, और क्या ढूंढेगा जाके बताएं सब लोग, अबाउट जो आपने वहां पे लिखा है यूआरएल में, वहां पे है ना जो आपने लिखा है ना यूआरएल में अबाउट, जी लिखा ना आपने अबाउट, यही जाके ढूंढेगा ऐप डॉट जे एस में जाके, और किस में ढूंढेगा कोड में आओ, ऐप डॉट जे एस में, इसमें ढूंढेगा जो आपने जो किया राउटिंग, जो आपने राउटिंग जो करते आ रहे हो, पहले पहले वाले में देखेगा, पहले वाले में देखेगा स्लैश मिला, फिर सेकंड वाले पे आएगा किसके अंदर, जो लिखा ना स्लैश अबाउट, स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, इसी में आके ढूंढेगा जो भी आप यूआरएल में दोगे ब्राउजर पे, वो यहां पे आके ये लिखा ना स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, इसमें आके ढूंढेगा। अगर ये सेम टू सेम होंगे जो आपने यूआरएल में दिया है, तब वो आपको रिस्पॉन्स देगा, तब तक नहीं देगा। अब वहां पे लिखना अबाउट 123, लिखना अबाउट 123 वहां पे, अरे वहां वेबसाइट में लिख दो, यहां से हटा दो, यहां लिखो अबाउट 123, एंटर दो, देखो क्या है भाई, जब भी कैन नॉट गेट की एरर आए तो आप लोग क्या समझोगे कि हमारी राउटिंग सही नहीं काम कर रही है। अब ऐसा क्या हुआ, आपने लिखा अबाउट 123, अब वो कहां गया होगा सबसे पहले ऐप डॉट जे एस पे, आओ ऐप डॉट जे एस पे आ जाओ, आओ ऐप डॉट जे एस पे जाओ, अब वो क्या ढूंढ रहा है जाके अबाउट 123, किस में ढूंढ रहा है बताओ, ये लगे ना स्लैश लगे हैं, स्लैश जिस ऐप डॉट जेस के अंदर जो राउटिंग के अंदर जो स्लैश लगे हैं, कहीं और नहीं ढूंढ रहा है ना, आप समझो कि जो नीचे लिखा है आर ई एस डॉट सेंड में अबाउट पे ये ढूंढ रहा है वो, नहीं, जो लगी है ना स्लैश स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट, इनमें जाके ढूंढता है। अगर इनमें उसको मिल जाते हैं तब वो आपको रिस्पॉन्स देगा, तब तक नहीं देगा रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, मैं चिल्ला रहा हूं। Yes, sir. अब जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट 123, लिख देना अबाउट 123, लिख देना अबाउट 123, अरे उसी में लिख दो, उसी में लिख दो, उसी में लिख दो, क्यों अलग कर रहे हो,
चलो फिर अब यहाँ पे लिख दो बट जरूरी फिर। चलो अब जाके वहाँ रिफ्रेश कर लो, देखो अब चल गया। तो एक पिक्चर अपने दिमाग में याद रख लो, एक बात गांठ बांध लो कि जब भी आप कुछ भी यूआरएल में लिखोगे, एंटर दोगे या बटन पे एंटर दोगे, तो बटन पे भी वही लगा होगा एचआरईएफ, उसमें भी यूआरएल डल रहा होगा, नाम डला होगा, वही सेम नाम जाके ढूंढता है ऐप डॉट जेएस के अंदर राउट में जाके। अगर वो मिल जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स देगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं देगा। और जब एरर आती है कैन नॉट गेट की, तो आप समझ जाओगे कि मेरी राउटिंग मिसमैच हो रही है। एक्सप्रेस पे घर पे बैठ के टाइम देना होगा, यानी कि आज मैंने पढ़ा दिया और आपने दो दिन तक कुछ नहीं किया और परसों फिर आके बैठ गए, तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो नहीं सीख पाओगे। अभी जो आज मैं करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस वाले फोल्डर में करो। मैंने एक घंटा मांगा है, तीन दिन में आपके पास 71 मतलब 71 घंटे होते हैं, 71 घंटे बाद क्लास होती है अपने, 71 घंटे में आपको एक घंटे निकालने पड़ेंगे। क्यों सुमित, पूछ सकते हो इसमें सुमित से, जो लोग दूसरे बैच के आए हैं। बहुत बुरा हाल है, सुन लिया, ये दूसरे बैच से जो आए हैं पूछ लो इनसे, सुमित से पूछ लो, पांडे जी से पूछ लो, शिखर से, शिवम से पूछ लो, ठीक है, साक्षी से पूछ लो, ये दूसरे बैच के हैं, आप पूछ सकते हैं इन लोगों से क्या होता है। अगर आपने क्लास छोड़ी है ना, क्लास छोड़ी और क्लास छोड़ने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं करी घर पे, तो आप भी बैच छोड़ के दूसरे बैच में शिफ्ट हो गए, या तो क्या क्लास ही छोड़ दोगे या फिर दूसरे बैच में जाओगे। एक घंटे प्रैक्टिस करनी, एक घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक घंटे आप प्रैक्टिस कर लो, 71 घंटे में 71 घंटे में एक घंटे निकाल सकते हैं आप लोग। और सिर्फ किस लिए, जो मैंने कराया वही करना है, बस कुछ नया काम नहीं करना है। आज मैंने करा दिया, अब आपके पास संडे है, मंडे है, ट्यूसडे को नाइट में क्लास होगी 9 बजे, सोचो वो इतने दिन में आप एक घंटे नहीं। बच्चे हमसे कहते सर रेगुलर कर दो, मैं कहता हूँ वो तीन दिन में तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते लोग, रेगुलर में तो कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। इतना करना होगा आपको सीखना है तो, ठीक है, कुछ बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है बस, ठीक है, नोट करो इतना। अब कोई डाउट हो तो पूछो। टर्मिनल नीचे का तो टर्मिनल नीचे नोट करा सही सही आप लोग अच्छे से। आज 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 मेहनत कर लोगे तो कंपनी में आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, आज नहीं करोगे तो कंपनी परेशान रहोगे फिर आप लोग, तब मेहनत करनी पड़ेगी। नोट कर ले सब लोग, बाकी सर्वर वाला पार्ट तो वहीं से कॉपी कर लेना वेबसाइट से ही।